रुको, तुम्हें आज एक स्पेशल चाय पिलाता हूँ, जाओ बैठो। पापा से तुम मिलने वाले थे? डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, तुम उससे शादी करना नहीं चाहते हो क्या? शादी क्या, जन्म जन्म तक साथ रहना चाहता हूँ। चलो अभी, पहले तैयार तो होने दो। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी। क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं। टेंशन मत लो, सब सही होगा। देखो बेटा, प्यार में पैसों की कोई जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत तब होता है जब तुम शादी करोगे, बच्चे होगा, फ्यूचर प्लानिंग करोगे, तब पैसों की जरूरत होती है। तो फ्यूचर में जिसकी जरूरत है वो पूरा करो, उसके बाद मैं देख लूंगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? रुको, चाय भी होगी, मैं लेके आता हूँ अभी। रुको, बैठो यहाँ पे, मैं जिस काम के लिए आई हूँ ये वो कर लो। क्या? रुको, तुम मेरे लिए फिर से गिफ्ट लाई हो? कोई गिफ्ट नहीं है, चुप रहो। तो फिर क्या है, मुझे बताया तुम गिफ्ट लाई हो। रुको, अरे क्या है, पैसा, ये सब क्या है? इससे नया बिजनेस स्टार्ट करो। और एक मिनट, ये लो मेरी शादी की जेवर। जब तुम्हें बिजनेस में सक्सेस मिल जाएगा, उसके बाद मुझे नया मिल जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं चाहिए, क्या कर रही हो? बोल रही हूँ ना, रखो ये। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं खुद कुछ कर लूँगा। प्लीज प्लीज, तुम ये सब लेकर जाओ, मुझे सब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं चाहिए ना? नहीं। देखो गुस्सा मत करो, मेरी बात तो सुनो, ऐसे मत जाओ। मुझे कोई बात नहीं सुननी है, मैं जा रही हूँ। तुम यहाँ पे इतनी रात को यही बात करोगे क्या, अंदर नहीं बुलाओगे? ओ हाँ, जरूर जरूर आओ। इतना प्यार करो तुमको, बैठने नहीं कहोगे? हाँ जरूर, बैठो यहाँ पे। घर का हालत क्या बना रखे हो? वो काम से टाइम नहीं मिलता है ना, तो ऐसे ही। अच्छा तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे मैं मेहमान थोड़ी ना हूँ, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, बैठो यहाँ पे, नो फॉर्मेलिटीज। अच्छा ठीक है। तेरे बिना मैंने कहा ना, ये सब नहीं चाहिए मुझे, मैं अकेला कर लूंगा। मैंने कहा ना, मैं कुछ कर लूंगा अकेला। ये रियल लाइफ है, ये कोई फिल्म नहीं है। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता है, पैसों का भी जरूरत पड़ता है इसे नया बिजनेस स्टार्ट करना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तेरे बिना जीना नहीं, ये सब क्या है? पकड़ो। ये सब क्या है, तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए। अरे इससे वो सब कुछ हो जाएगा तुम जो सोच रहे हो, और जब पैसा मिल जाएगा तुम्हें, तब तो मेरा ही होगा ना, और मेरा नखरा तुम तो जानती हो। तेरी बाहों के आसमें इतना सुकून मिला मुझको। तेरी सुनो, मैंने एक फेसबुक पेज बना दिया, स्टोरी शॉर्ट्स सब कुछ करना होगा, ठीक है? और सोशल मीडिया ना मार्केटिंग का बहुत बड़ा जरिया है, समझे मेरी जानू? देखो तुम्हारी होने वाली बीवी कितनी इंटेलिजेंट है। पैसा खुद कमाऊ, उसके बाद जिसे मन चाहे उसे। जो लड़का खुद के दम पे कमा नहीं सकता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब तुम्हारे सामने दो रास्ता है, एक उसे भूल जाओ, घर में रहो, या फिर
उसे भूल जाओ, घर में रहो या फिर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा निभाऊंगा, तुम जैसे मेरे साथ हो वैसे ही रहना। कभी मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो डांटना मारना, लेकिन छोड़ के मत जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वादा रहा तुमसे। आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज भी ये रखोगे? उठाओ इसे। ये लो। मैं? हाँ तुम। मैं ही क्यों, कोई छोटा मोटा सेलिब्रिटी को बुला लेते। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, सब कुछ तो तुम ही हो, मेरा सेलिब्रिटी, मेरा आज, मेरा कल, सब कुछ तुम ही हो। तुमने शेव क्यों नहीं किया? जब तक तुम्हें सब कुछ लौटा नहीं पाता, एक मन्नत ही समझो। ये हाल है तुम्हारी, भिखारी की तरह वो चाय वाला तुम्हें नौकरा नहीं बना के छो। लिसन मिस्टर चटर्जी, शायद मेरे पति के पास दौलत शौहरत नहीं है, लेकिन उसके पास एक दिल है और मैं उस दिल की रानी हूँ, नौकरानी नहीं। अभी मुझे देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, जरूरत ना होने पर भी कुछ चीज लेने से हम जहाँ से शुरू करते हैं कर्मा एक दिन वहाँ ले जाते हैं। आपसे जो पैसा लिया मैंने, पाई पाई चुका दूंगी। कैसे कैसे चल रहा है? हाँ, और मैंने जो सामान बोला लाए तुम? क्या हुआ, क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? अरे परेशान नहीं रहूंगा तो क्या करूंगा, और भी पैसों की जरूरत है। तुम्हारे कहने से बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया। देखो पैसे ही मेरा दिमाग ठीक नहीं है, कुछ मत बोलो, उल्टा सीधा कह दूंगा तुम्हें बुरा लगेगा। अभी जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम जरूर कुछ ना कुछ कर पाओगे। कोशिश तो करो, जरूर निकलेगा। मैं तुम्हारे साथ पहले भी थी, आगे भी रहूंगी। जीना मुमकिन नहीं है, सॉरी, मेरा जीना मुमकिन नहीं है। सांसों में मेरे तू है बसी, तेरे बिना जीना नहीं है। वेटर, सब कर दो इसे। आगोश में मेरी, यही तो औकात है तुम्हारी। मेरी बेटी से जो पैसा लिया वो खाना हो गया, मेरी बेटी को तो नौकरानी बना दिया, और चाय वाला से अच्छा इस जैसा होटल में काम मिला है वही काफी है तुम्हारे लिए। इससे ज्यादा और करोगे भी तो क्या? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर चटर्जी। तेरे लिए जीने लगा हूं। इज द ओनर ऑफ दिस होटल। अगर मैं चाहती हूँ ना तो अपना सारा पैसा लौटा सकती हूँ, पर आपका क्या औकात है?
बेटी माफ कर दे मुझे, मैं गलत होके भी आज खुश हूँ। वैलेंटाइन तो हर कोई बन सकती है, लेकिन जिंदगी भर साथ हर कोई नहीं रह सकती है। विशिंग ऑल ऑफ यू हैप्पी वैलेंटाइन डे।